हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड, आज फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं। इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे कि MPPT और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे। फ्रेंड, आप सोच रहे हैं कि भाई आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, यूट्यूब पे पहले ही काफ़ी वीडियो अवेलेबल है MPPT और PWM का। तो फ्रेंड, वो थ्योरेटिकली वीडियो अवेलेबल है। फ्रेंड, आज बिल्कुल प्रैक्टिकली देखने वाले हैं हम कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल इनका लाइव टेस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर देख लेते हैं। फ्रेंड बेसिकली करंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? लोड। तो लोड जितना ज़्यादा होगा तब ये फुल करंट देगा फ्रेंड, जो कि चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, इस करंट को रेगुलेट करता है और वोल्टेज को भी बैटरी के वोल्टेज पर लगाता है। देखिए फ्रेंड, अभी आप देख पा रहे होंगे ऊपर से 15.4 वोल्ट आ रहा है और ये 5.2 एम्पियर दे रहा है। अभी मतलब सोलर से आ रहे हैं 15 वोल्ट और 5.2 एम्पियर। देखिए अभी देखते हैं हम और आगे। देखिए हमारी बैटरी 80% से अबाउ चार्ज है फ्रेंड अभी। तो फ्रेंड, जो बैटरी फुल चार्ज होने वाली है लगभग, देखिए आप बैटरी के वोल्टेज में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैक्सिमम PV करंट 40 एम्पियर, देखो 14.17 वोल्ट और 5.3 एम्पियर पे हमारी बैटरी है। मतलब 14.4 वोल्ट पे लगभग हमारी बैटरी फुल हो जाती है और सोलर से आ रही 15.1 वोल्ट और 5.2 एम्पियर। तो फ्रेंड बेसिकली क्या होता है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज होने वाली है और बिल्कुल भी इस पर लोड भी नहीं चल रहा। तो फ्रेंड, जो एम्पियर रिक्वायरमेंट है वो हमारी बहुत कम है अभी, तो ये बहुत कम एम्पियर देगा। उसके अकॉर्डिंग बैटरी को चार्ज होने के लिए 2 से 3 एम्पियर चाहिए भी, और बाकी का हमने क्या CLF बल्ब लाइट ऑन कर रखी है उसके लिए चाहिए हमें 1 से 2 एम्पियर। तो फ्रेंड उसको ये दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है फ्रेंड, देखिए कभी भी यहाँ पे जो ऊपर से जो हमारे सोलर पैनल से करंट आ रहा है वही करंट हमें मिलेगा, कभी भी उससे ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा। जैसे ऊपर से सपोज करो 15 वोल्ट और 8 एम्पियर आ रहा है, तो फ्रेंड नीचे हमें एम्पियर तो सेम ही मिलेगा, 8 ही एम्पियर मिलेगा, बट वोल्टेज डिक्रीज कर देता है ये बैटरी के वोल्टेज। जो हमारा लोड है उसके अकॉर्डिंग देखो अभी 14.17 वोल्ट दे रहा है ये, चाहे ऊपर से कितना भी वोल्टेज आए ये 14 के समथिंग जो बैटरी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देगा। और करंट फ्रेंड जो सोलर पैनल से आ रहा है उसके बाद ये हमें उतना ही करंट देगा जितनी हमें आवश्यकता है। जैसे 8 एम्पियर आ रहा है, सपोज करो हमें 2 एम्पियर की आवश्यकता है तो ये 2 एम्पियर ही हमें देगा। तो फ्रेंड इस प्रकार ये कभी भी एम्पियर को बूस्ट नहीं करता। ऊपर से 8 एम्पियर आ रहे हैं तो नीचे भी हमें 8 ही एम्पियर मिलेंगे, बट वो एम्पियर वेरी करेंगे हमें आउटपुट में कि हमने कितना लोड लगा रखा है उस पर, उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे वोल्टेज का लॉस होता है, देखो वोल्टेज का जो लॉस होगा उसको ये एम्पियर में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स PWM की जो वर्किंग है वो है फ्रेंड, ये कभी भी करंट को बूस्ट नहीं करता है। जो ऊपर से करंट आ रहा है वही हमें करंट मिलेगा, बट वो करंट डिपेंड करता है लोड पर कि आपने कितना लोड डाल रखा है। तो अब हम बात करते हैं MPPT की, तो MPPT की के बारे में डिस्कस करते हैं सामने। अब हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर से 8 एम्पियर और कितने भी वोल्ट आ रहे हैं तो एम्पियर बूस्ट हो जाएंगे, वोल्टेज कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए फ्रेंड 33.8 और 3.1 एम्पियर आ रहा है सोलर, देखो 13.5 और 7.1 एम्पियर हो गए। तो फ्रेंड 3 से 7 एम्पियर हो गए, देखिए फ्रेंड यहाँ पे एम्पियर बूस्ट हो रहा है, जबकि हमारा जो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर था फ्रेंड वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ऊपर से 20 वोल्ट और 8 एम्पियर आ रहे हैं तो फ्रेंड वोल्टेज डाउन कर देगा, बट एम्पियर हमें 8 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। बट फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पियर है वो फ्रेंड इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर से आ रहा है, ऊपर से पहले 3.1 एम्पियर आ रहे थे तो फ्रेंड इसने बूस्ट करके 6 एम्पियर कर दिया उसको, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है ऊपर से वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अभी और देखते हैं फ्रेंड हम, तो देखिए फ्रेंड आप स्क्रीन पर देखते रहिए सोलर पावर अवेलेबल है अभी। तो फ्रेंड देखिए सोलर से 33.6 वोल्ट और 3.1 एम्पियर आ रहा है। देखिए इसने एक्स्ट्रा वोल्टेज आया जो ऊपर से 13.4 के अलावा उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया और हमें 7.1 एम्पियर मिल रहे हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर फ्रेंड वो ही मैक्सिमम एम्पियर देगा जो आपके पास अवेलेबल है, मतलब जो आपका सोलर पैनल दे रहा है वो मैक्सिमम एम्पियर देगा। जो 8 एम्पियर दे रहा है तो 8 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर नहीं दे सकता है। बट फ्रेंड MPPT में ऐसा है, यदि वो सोलर से 8 एम्पियर आ रहे हैं तो फ्रेंड जो एक्स्ट्रा वोल्टेज 33 वोल्ट और 8 एम्पियर आ रहे हैं
तो फ्रेंड ये एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, ये 14 वोल्ट और एम्पियर जो सोलर पैनल से आ रहे हैं उससे ज़्यादा एम्पियर हमें दे सकता है। तो फ्रेंड इसीलिए हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर में सिंगल बैटरी पर 24 वोल्ट के सोलर पैनल यूज़ नहीं करते हैं। अभी फ्रेंड हम यूज़ करेंगे जैसे ऐसा सपोज करो उन्होंने ऐसा PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर बना दिया जो कि 24 वोल्ट सोलर पैनल से सिंगल बैटरी पर काम करेगा, तो फ्रेंड देखो एम्पियर तो वही मिलेंगे क्योंकि जैसे सोलर पैनल के वोल्टेज बढ़ेंगे तो जो एम्पियर है वो हाफ हो जाएंगे। जैसे 100 वाट का पैनल है तो 12 वोल्ट और जो 24 वोल्ट का हम कंपेयर करेंगे तो 24 वोल्ट वाला जो 100 वाट का पैनल होगा वो कम एम्पियर देगा। तो फ्रेंड जो हमारा PWM है वो 24 वोल्टेज को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा बट एम्पियर तो हमें वही मिलेंगे जो कि सोलर पैनल से आएंगे। तो फ्रेंड इसीलिए हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोल 12 वोल्ट बैटरी एक सिंगल बैटरी पर 12 वोल्ट वाले सोलर पैनल का यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज का लॉस नहीं हो। बट फ्रेंड MPPT में हम 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल भी एक सिंगल बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को बूस्ट करके एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड इसीलिए हम MPPT में सिंगल बैटरी पर 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।